हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी निवेश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि गंगा नदी के ऊपर जो गांधी सेतु का पुल बना हुआ है वो कितना लंबा है और किस हिसाब से वो मतलब कि देखिए आपको पूरा बताएंगे डिटेल से। जो पुरानी वाली जो पुल थी वो टूटकर नया पुल बना है, जो पुरानी वाली पुल से काफी मजबूत है और इस पूरे पुल की चौड़ाई लगभग लंबाई है 5.5 किलोमीटर लगभग। और इस बस यात्रा के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि पुल का क्या कैसे पूरा यात्रा के माध्यम से आप देखते रहेंगे। जो पुल है काफी लंबा चौड़ा है, गांधी सेतु महात्मा गांधी पुल है। टाइम हो रहा है 10:25 हो रहा है। अच्छा, ये 7 किलोमीटर है लगभग और अभी टाइम 10:25 हो रहा है। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, एक बस में बैठे हुए हैं और गांधी महात्मा गांधी से बात हो रहा है। दोस्तों, इस पुल का लुत्फ उठाने के लिए वीडियो में बने रहे लास्ट तक और वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको प्रकार की फलबल की वीडियो आपको मिलती रहे। टूरिज्म एंड ट्रैवल से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेगी और एजुकेशन के माध्यम से भी कोई वीडियो है तो वो मिलती रहेगी। वीडियो के माध्यम से हम आपको चारों तरफ से दिखाते हैं कि पूरा डिजाइन किस प्रकार से है। दोस्तों, इस प्रकार गंगा नदी हो गया इस साइड से और इस साइड से भी गंगा नदी है और ये आगे पुल बना हुआ रास्ता है, आगे में एक बस है और हम भी बस में बैठे हुए हैं और पीछे भी क्या पता है वो बस लगा होगा जो आ रहा होगा पीछे से। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो का मजा लेने के लिए अंत तक बने रहे और पूरी वृत्तांत इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। जो ड्राइवर साहब है वो आगे बैठे हुए हैं, आराम से चला रहे हैं बस को, मस्ती में एकदम गाड़ी स्पीड है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के माध्यम से गाड़ी चल रही है और ड्राइवर साहब मस्ती में गाड़ी चला रहे हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको पूरा का पूरा जितना भी है डिस्टेंस वो पता चल जाएगा कितने टाइम के हिसाब से मतलब ये पार कर जाते हैं। बस आपको पार करने में लगभग कम से कम तो चार मिनट जरूर लगता होगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे। ठीक है दोस्तों, जो बस है दोस्तों पटना से मुजफ्फरपुर होते हुए दरभंगा के रास्ते त्रिवेणीगंज होते हुए सुपौल तक जाएगी और हमारा जो यात्रा झंझारपुर तक का है, फिलहाल हम झंझारपुर तक जाएंगे। यात्रा का पूरा विस्तार देखने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना होगा, तभी आप इस पुल का मजा ले सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो हमारे साथी सब है बस में बैठे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ड्राइवर साहब आगे बैठे हुए हैं। देखिए दोस्तों, इस साइड भी पुला का दृश्य हम आपको अच्छे से दिखा सकते हैं। जब हम पुला
पुला पे आए हुए थे उस टाइम बज रहा था 10:25 और देखते हैं कि जब ये पुला पार कर दिया तो कितना टाइम में पार कर जाती है, वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। ट्रैफिक जाम होने के कारण थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसके लिए कोई ऐसा वो बात नहीं है, आराम से चलेगी बस।5 मिनट जरूर लगा बस को पार करने, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत।